हाय दोस्तों, मैं शुएब अंसारी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं आज जब ऑफिस से निकल रहा था तो बात चल रही थी कि आजकल बच्चों में सेल्फनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसके बारे में हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और लोगों को एक बात करें। तो ये सेपरेशन आती कहाँ से? जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें आती हैं मोस्ट ऑफ बचपन से ही आने शुरू हो जाती है। फैमिली बैकग्राउंड और स्पोर्ट्स, हम हर जगह ये चीज़ें देखते हैं, इसके लिए चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आती कैसे हैं? ये चीज़ें आती हैं मोस्ट ऑफ हमारे जब वो स्कूल बच्चे जाना शुरू करता है, तो उसका हम पहले ही बोलते थे वो हर चीज़ में अव्वल रहना है, खेल में, कूद में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज़ में अव्वल होना है। इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं, और उसके लिए पूरी कोशिश जो है जान तोड़ लगा देता है। जान तोड़ लगाने के बाद में क्या होता है कि आखिर जब वो लड़का बड़ा होता है और फिर 18 से 20 साल के आसपास जाता है, तो उसे सिर्फ यही चीज़ लगती है कि बाकी गई दुनिया भाड़ में, मुझे ही आगे रहना है, मुझे ही आगे रहना है। आगे रहना अच्छी बात है, लेकिन लोगों की केयर करना आदमी छोड़ देता है, वो सिर्फ अपनी ही केयर करता है। इवन आप देखते हैं आजकल अपने घर में भी ये बच्चे माँ बाप की केयर में किसी चीज़ की केयर नहीं करते। ये सिर्फ सिस्टम ही ऐसा है कि एजुकेशन सी हमने ऐसी दी है कि सिर्फ अपनी केयर करो, अपने बारे में सोचो। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि अगर बच्चा ये अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, साथ साथ में अपने अतराफ में भी देखो कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करो, जब वो घर में आए तो उनसे पूछो किसी किसी ज़रूरतमंद के लिए हमने के लिए तो तुमने काम किया, उनकी मदद की कि नहीं की। तो ये चीज़ें नीचे जब हम उनके अंदर देंगे तो एक ह्यूमन बीन जनरेट होगा। वो बच्चा जब बढ़ेगा, वो पढ़ाई के साथ साथ आगे जब बढ़ेगा तो वो अपने साथ साथ एक ह्यूमन बीन भी लेके के साथ तैयार होगा। जब वो इस चीज़ के साथ तैयार होगा दोस्तों, तो सोचो हमारा आने वाली जनरेशन कैसी होगी। तो हम लोगों को बस अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाना है, ये तालीम देना है कि आप जब आगे बढ़ो तो अपने आसपास के अतराफ के सारे लोगों को पे देखो। अब एजुकेशन लो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सब कुछ बच्चों को पढ़ाओ, सब कुछ करो, साथ में ये भी सिखाओ कि अतराफ में जो माहौल है उससे वो बच्चा अलग ना हो जाए, खाली अपने बारे में ना सोचे। हम उसको अगर बताएंगे कि फला की तकलीफ़ ऐसी है, अगर तुम उसकी तकलीफ़ में आज मदद करते हो उसकी, तो शायद वो उसे कुछ कर जाए, वो उसे कुछ कर जाए तो वो उसके अंदर एक फीलिंग आएगी कि नहीं, लोगों ने मेरे लिए किया तो मुझे भी किसी के लिए करा, तो एक चैन तैयार होगी। और जब एक ऐसी चैन तैयार होगी तो हम हर एक के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपने साथ साथ हम हर एक के बारे में सोचना शुरू करेंगे। जब हम हर एक के बारे में सोचेंगे तो शायद कुछ बेटर होगा, आगे आने वाला वक्त हमारे हिंदुस्तान में अच्छा होगा। बस यही उम्मीद के साथ हमने ये वीडियो बनाया है कि हमारे आने वाला कल हिंदुस्तान एकदम पाक साफ हो, किस चीज़ से? ज़ात पात से, सेल्फनेस से और बुराइयों से, डिप्रेशन से। तो बस ये सारी चीज़ें से पाक हो जाए, हम सब एक दूसरे के लिए ऐसे आगे बढ़े। एक दूसरे को कुछ करना है, कुछ अगर कुछ नया क्रिएटिविटी करना है, उसकी मदद चाहिए, तो हम उसके लिए हमेशा आगे रहें कि वो कुछ करना चाहता तो हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी गरीब को देख लिया रास्ते पे, लेकिन इसके जाते हुए उसकी ज़रूरत, उसकी बेटी की शादी की, तो हमें पता है कि हम उसकी बेटी की शादी खर्चे नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे पास अगर 10 लोग हैं, 20 लोग दोस्त हैं, 1000 1000 रुपये, 10 लोग, 10 दोस्त से मिलकर 1000 1000 रुपये निकाला, 10 हज़ार रुपये बन गए। सोचो उस गरीब माँ बाप की, उस लड़की की शादी में वो 10 हज़ार रुपये छोटा सा ही अमाउंट है, लेकिन इतना तो है कि वो अपने 10 12 लोगों को बुला के शादी करा सकता है। दूसरी चीज़, दहेज जैसी गंदी चीज़ों को भी हमें निकालना है। ये सब सेल्फिश इसके लिए बचपन से कि हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, तो मतलब में जो चीज़ें ये सब हो रही, दहेज की, बाकी चीज़ें, और ये सब चीज़ें पर हमें नज़र ही नहीं आती कि भूखा मर रहा है मरने, तो हम तो ठीक है ना, हम आगे हैं ना, हम जो करना चाहते कर रहे हैं ना। तो बस इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, और उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़े रहिए। कोशिश होगी कि हम मिल के कुछ हल निकालें, कि अगर हम अभी नहीं बदलेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी कैसे बदलेगी। हम बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा, हम लोगों को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं बदलते हैं, तो कैसे बदलेगा दोस्तों? बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।